दिगरा शहर में मुख्य अधिकारी माधुरी मड़ावे की अतिक्रमण विरोधी मुहिम का कारवा आए दिनों आगे बढ़ रहा है। वहीं अतिक्रमण हटाने के अलावा मुख्य अधिकारी माधुरी मड़ावी शहर के पालिका के शिक्षा क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं। स्कूलों का औचक दौरा कर स्कूल के पट संख्या से लेकर शिक्षा और अध्यापन के स्तर की समीक्षा कर शिक्षकों और मुख्याध्यापकों वह सवाल दाग रही है। पेश है दिगरा संवाददाता सुबेर खान की खास रिपोर्ट। दिगरा शहर में इन दिनों हर जगह अतिक्रमण विरोधी मुहिम की चर्चा चल रही है। नगर पालिका प्रशासन ने शहर से अतिक्रमण का सुपड़ा साफ करने के लिए मानो कमर कस ली है। शहर की बाजार लाइन से लेकर हाईवे मार्ग की दुकानों का अतिक्रमण हो या फिर शहर के केंद्र में बसे रिहायशी इलाकों से लेकर शहर के पिछड़े इलाकों में किए गए अवैध कब्जों के मामले हो, सब पर बारी बारी से पालिका प्रशासन बुलडोजर चला रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को दिगरा सारनी बाईपास पर स्थित नगर पालिका की उर्दू शाला नंबर 3 के सामने किए गए अवैध कब्जे से बनाई गई अतिक्रमित दुकानों को हटाया गया। मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी ने यहां पहुंचकर अपनी मौजूदगी में अतिक्रमण हटाकर उर्दू स्कूल के करीब सौंदर्यीकरण करने का आश्वासन दिया है। 8-10 दिवस आधी आम्ही इथून जात असताना इथे इलीगल कंस्ट्रक्शन होता ना मला दिसलं होतं आणि म्हणून आम्ही त्यांना ज्यांनी इलीगल कंस्ट्रक्शन केलं त्यांना नोटीस दिली, त्यांना सांगितलं की तुम्ही काढून घ्या नाहीतर मग आम्ही काढून घेऊ, पण त्यांनी काढलं नाही। म्हणून आज आम्ही हे सगळं इथलं अतिक्रमण काढलं आणि ह्या ठिकाणी आता ही आमची नगर परिषदेची एक उर्दू शाळा आहे आणि या शाळांच्या मुलांसाठी म्हणजे अतिक्रमण जागेवर ब्युटिफिकेशन करण्यासाठी आम्ही गार्डन आणि एक फाउंटेन वगैरे इथे तयार। इस दौरान मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी ने उर्दू स्कूल नंबर 3 में पहुंचकर यहां के मुख्याध्यापक और शिक्षकों से मिलकर स्कूल में विद्यार्थियों की कमी यानी गिरती पट संख्या पर चिंता जाहिर करते हुए शिक्षकों को आड़े हाथों लिया और उनसे अपने अध्यापन में सुधार करने और पट संख्या बढ़ाने के लिए मेहनत करने का सुझाव दिया। सूचनाओं का पालन नहीं करने पर सस्पेंशन की कार्रवाई करने और सैलरी रोकने की उन्हें चेतावनी भी दे डाली और उनकी ये चेतावनी न सिर्फ उर्दू माध्यम की स्कूलों के लिए थी बल्कि पालिका की सभी स्कूलों के लिए उन्होंने इसे निश्चित करार दिया है। ठीक है, और सब अच्छे से पढ़ा, जिनको पढ़ाना लिखना आता नहीं है वो एक्स्ट्रा क्लासेस लो, सबको पढ़ा। नहीं आएगा तो फिर मैं सस्पेंड भी कर दूंगी, पेमेंट भी निकलेगा, फिर डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह सब होगा। आप ही की स्कूल के लिए, सभी स्कूल के जितने भी चौदह इस दौरान मुख्याधिकारी ने उर्दू भाषा के संवर्धन में शिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारी पर भी भाष्य किया। उन्होंने कहा कि उर्दू एक खूबसूरत भाषा है और मैं खुद इसे सीखना चाहती थी। इस भाषा को बचाना समय की मांग है, इसका विकास भी जरूरी है, इसके संवर्धन की जिम्मेदारी पर ध्यान देने पर भी उन्होंने जोर दिया। आपकी वो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, आपको समझना चाहिए कि उर्दू लैंग्वेज सबने पढ़नी चाहिए, इवन मराठी बच्चों ने भी उर्दू सीखनी चाहिए ना। तो आप ये करो, मराठी में बच्चे जाए नहीं या फिर जाते भी हैं तो भी अच्छे से उर्दू को अच्छे से आना चाहिए। कि आपको अपना अपनी डिग्निटी अपनी प्राइड ऐसा रखना चाहिए ना, आपको दुख होना चाहिए कि अगर उर्दू बच्चे उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं तो आप करो, मतलब दिल से करो, दिल से कि नहीं ये अभी अपने ये लैंग्वेज को बचाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज जो लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो रही है उसको बचाना अभी अपनी आपकी जिम्मेदारी है ना। कुल मिलाकर जैसे जैसे मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी के एक्शन मोड का कारवा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उनके प्रशासकीय व्यक्तित्व में निहित नागरी सुविधाओं की फिक्र, शिक्षा क्षेत्र के उत्थान की चिंता और भाषा के विकास को लेकर उनकी गंभीरता शहरवासियों को प्रभावित कर रही है। NBC News के लिए दिगरा से जुबैर खान की रिपोर्ट।